सब तो पहला तो मैं मीडिया का बहुत धन्यवादी हाँ जिन्होंने साड़ी छोटी जी बेनती प्रवान करके इतने पहुँचे हो तुहाडा सारिआं दा धन्यवाद। ये जिहड़ी रोड जंडियाला टू तरन तारण जाती है ये काफ़ी एक अहम रोड आ तरन तारण साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का वसाया हुआ शहर आ। असी मैनू काफ़ी हल्के दे विच लोगों ने आके कहा कि पहला भी इस रोड का नाम लोग यही समझते थे कि श्री गुरु अर्जन देव जी मार्ग है और यदा नाम गुरु साहब के नाम से किया जाए। सो मैं बेनती जिमें भी मेरे कोई आई मैं उस हिसाब न फिर जो वे संबंधित निज़म ने उन्होंने देखा और निज़मों के येगा कि जड़ी किसी भी सड़क उसका नाम देने वास्ते कोई निज़म फिक्स ने पर उन्होंने निज़मों की पालना के अनुसार ये नाम नहीं सीगा। सो असी निज़मों के अनुसार गुरु साहब के नाँ पर इस सड़क का नाम बदल के श्री गुरु अर्जन देव जी मार्ग जरा रख्या। पर पहले सरदूर सिंह बंडाला रोड कहा जाता सी। हाँ जी ये 2020 दे विच सरदार सरदूर सिंह जी बंडाला साढ़े बहुत सत्कारयोग सी असी उन्हों का सत्कार साढ़े मन के पर जो पॉलिसी गुरु साहब दे लखां श्रद्धालु जिहड़े ने संगतां इस रोड थानी लंघ के जांदियां ने सो उन्हां दीआं वी भावनावां जुड़ियां सीगियां। सो असी गुरु साहब दे नां ते इस सड़क दा नाम जिहड़ा तब्दील कीता। पर कांग्रेस पार्टी दे कुछ लोकां नूं इतराज़ हो रहा कहिंदे जी इह बदलाव नवां लिआंदा जी। नहीं बदलाव नवां देखो पंजाब गुरुआं पीरां दी धरती है ठीक है जी। सो असी उन्हां तों सीध लैणी आ गुरु साहबान तो सीध लैनी है उन्होंने पाए हुए पूर्णियां ते चलना है। सो असी कुछ भी ये नहीं यहोजा किया जो पॉलिसी सी पॉलिसी के इस तरह के तुसी गुरुआं पीरां दे नाम से रिशियां मुनियां दे नाम से जां कोई भारत रत्न जां कोई वीर चक्कर प्राप्त जां कोई जंगी शहीद जां कोई ओलंपिक दे विच जिन्हां ने मार के मारे ने ठीक है इस तरह की पॉलिसी है वो विचों नाम रखने होंगे फिर आउट ऑफ द वे जाके जो फिर सड़क के नाम रखे जाएंगे तो फिर लोग जोड़े आउट देखो जो पॉलिसी सी उस पॉलिसी के अनुसार नहीं सीगा वो कुछ तरह की कोई तब्दीली करके जो कोई छोट दे के मतलब वो किया गया सीगा तो असं यदा ना जो पॉलिसी है नहीं नहीं सड़क देखो असि सड़क सही कर रहे हैं हौली हौली कर रहे सारिया इनू भी असि पूरे साडे जंडियाले दे विचों दी लंघ के जांदी सड़क है गुरु साहब दा स्थान जिहड़ा तरन तारण साहब उत्थे जांदी है। सो असी इनू पूरी तरह रेनोवेट करांगे मेनटेन करांगे किसी भी तरह की इस रोड के उत्ते कोई प्रॉब्लम नहीं रहने देंगे। सड़क जिहड़ा हुण इह बणनी है चौड़ी करन वास्ते बणनी कि इहनूं ही रिपेयर कीता नहीं फिलहाल साडे कोल रिपेयर ते जो बर्म ने साइडां ते उहनां दे उत्ते साडी टाइलां लाउण दी प्रोविजन है। देखो सारिया रोड्स से सारिया सारे पंजाब दियां ही असीं ठीक कर रहे हैं रिपेयर भी कर रहे हैं कुछ नवियां भी बना रहे हैं कई तरह दियां रोड्स ने लगभग 77,000 किलोमीटर सड़कों का जाल पूरे पंजाब दे विच विछिया पिया है। सो कोई नैशनल हाईवे ने कोई स्टेट हाईवे ने कोई अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स ने जिवें साडी ओडीआर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है। सो सारिया ते असीं मेनटेनेंस का रिपेयर का काम शुरू किया अराउंड 10,000 किलोमीटर दे सड़कों के उत्ते रिपेयर करने की प्रक्रिया जी चल रही है। नहीं मुद्दे देखो पंजाब विधानसभा एक मंच है लोगों के मुद्दे डिस्कस करन दा उहदे विच साढ़े जो भी बिजली के मुद्दे हो सकते हैं कोई पराली के मुद्दे हो सकते हैं कोई GST का मुद्दा हो सकता है जिन्हें भी जड़े लोगों जो भी दरपेश मुश्किल आदि ने उन्होंने संबंधित असं चर्चा कर पैसे देने पराली ना करन ते पैसे देने
नहीं नहीं है, मैं कल ही मीटिंग की किसान जथेबंदियों नाल इहो जिहा कोई नहीं, सगों किसान जथेबंदियां भी जिहड़ियां ने वह भी चाह रही ने कि असी मिलवरतन करके पंजाब नूं जिहड़ा आ इह प्रदूषण तों बचाईए, वह भी पंजाब के विकास के विच उस तरह जिस तरह बाकी जनता जां सरकार चाह रही है वह भी कोऑपरेट करन दी तैयारी। नहीं देखो मैं तो अपील ही कर सकता है कि देखो असी जो जदों तो सरदार भगवंत सिंह मान साहब की सरकार जी पंजाब दे विच आई है असी हर मुद्दे नू बड़ा गंभीर लिया हुआ, जो भी सीरीयस मुद्दे ने असी साडी सारी कैबिनेट साढ़े साडे विधायक हर थां ते आपो अपने लगे हुए ने, सो असी काफ़ी मुश्किलां जिहड़ियां ने उन्हां दे उत्ते उन्हां नू हल भी किया पिछले 6 महीने के कार्यकाल के दौरान और अगे भी उन्होंने होर तेजी के नाल उन्होंने ठीक किया जाए।